मारा जाऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर इस नाम से लड़ूंगा, मैं फिर मारा जाऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर। दोस्तों आपने इस बाबा की वीडियो अगर देख ली तो इस बाबा को जो मैं जवाब देने जा रहा हूं उस जवाब को भी आप लोग सुन लीजिएगा और हिम्मत के साथ सुनिएगा, क्योंकि मैं इन्हीं की किताबों से, मैं हिंदू ग्रंथों से मैं जवाब देने वाला हूं। और ये जो कह रहा है कि मैं जन्म लूंगा फिर इस्लाम से लड़ूंगा, फिर जन्म लूंगा फिर इस्लाम से लड़ूंगा, तो मैं जवाब देने जा रहा हूं कि इसका जो बाप है योगी और मोदी, ये हमेशा के लिए यहां पर रहने नहीं आया है, और ये बार बार जन्म देना मोदी और योगी की बस की बात नहीं है। तो मैं इन्हीं की किताबों से मैं जवाब देने वाला हूं। उससे पहले एक पिंकी चौधरी है, एक पिंकी चौधरी है जो मोहम्मद नबी की शान में गुस्ताखी करता है। वो कहता है कि हम मोहम्मद को नहीं मानते हैं, और क्या क्या बोल रहा था पता नहीं, इस वीडियो में मैं नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि गाली गलौज किया है। तो इसको भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि तुम नहीं मानोगे मोहम्मद को, तुम तो मोहम्मद को नहीं मानोगे, लेकिन आज मैं साबित करूंगा तुम्हारी किताबों से, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उन किताबों से मैं साबित करूंगा कि तुम्हारा बाप दादा, तुम्हारे बुजुर्ग लोग और जो तुम्हारे धर्म है, जो किताबें हैं, वो मोहम्मद को मानते हैं। तुम नहीं मानते हो तो क्या हुआ, तुम्हारा धर्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। दोस्तों इन्हीं की किताबों में, हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मतिथि लिखी हुई है। बताइए जन्मतिथि लिखी हुई है, कल की पुराना अध्याय 2 श्लोक 15 में लिखा हुआ है कि माधव महीने में, माधव महीने में चौदहवीं के चांद पूर्णिमा से 2 दिन पहले 12 तारीख को जन्म लेंगे, और 12 तारीख को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म लिए हैं। और आगे लिखा हुआ है नराशंसा, नराशंसा आने वाला है। नराशंसा इसका मतलब क्या है, नराशंसा नर माने आदमी, और शंसा प्रशंसा के लायक, बहुत मतलब तारीफ के लायक जो हो। तो अरबी से अगर उस संस्कृत को अरबी से हम तर्जमा करते हैं तो मोहम्मद होता है, मोहम्मद जो तारीफ के लायक है। तो उन्हीं की किताबों में, मतलब वो किताब भी मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ये कहता है कि हम मोहम्मद को नहीं जानते हैं। और आगे लिखा हुआ है उन्हीं की किताबों में, हिंदू धर्म की किताबों में, माँ का नाम होगा सुमति, अरबी से अगर तर्जमा करेंगे तो आमेना होता है। और बाप का नाम लिखा हुआ है विष्णुयास, विष्णुयास मतलब भगवान का भक्त, तो अरबी से अगर तर्जमा करेंगे तो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तो इसी तरह कई जगहों पर लिखी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। शंभल ग्राम में नाभि कमल जगतपति, शंभल ग्राम शांति वाले शहर में पैदा होंगे, नाभि कमल जगतपति, कमल का जो नाभ होता है उसी तरह जिस तरह दुनिया का बीच में वो शहर है मक्का अरब है, तो वहां पर जन्म लेंगे। तो इस तरह से पहले ही बता दिया है कि वो आने वाले हैं, वो जब आ जाएंगे तो उनको मान लेना। तो उन्हीं के धर्म की किताब ये कहती है कि उनको मान लेना, लेकिन ये कहता है कि हम मोहम्मद को नहीं मानते हैं। अब आइए यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये कहता है कि हम जन्म लेंगे फिर इस्लाम से लड़ेंगे, फिर जन्म लेंगे फिर इस्लाम से लड़ेंगे, लगता है इसका बाप का राज का राज चलता है। ये हवाला देता है, मुझे पता है पुनर्जन्म का हवाला दे करके पंडितों ने बेवकूफ बना करके रखा है जनता को। कहता है कि पुनर्जन्म मतलब बार बार जन्म, लेकिन आप डिक्शनरी उठा करके देखिएगा तो पुनर्जन्म का माना है नेक्स्ट जिंदगी, नेक्स्ट जन्म, जो कुरान में भी है, अभी की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी जब सभी को उठाया जाएगा। तो पुनर्जन्म का माना बार बार जिंदगी नहीं है, जो यति नरसिंहानंद सरस्वती कहता है हम बार बार जन्म लेंगे और बार बार इस्लाम से लड़ेंगे। तो अब शॉर्ट में बताना चाहता हूं बिल्कुल कुल मिला जुला करके कि पुनर्जन्म का माना बार बार जिंदगी नहीं है, नेक्स्ट जिंदगी जो कुरान में भी है कि आखिरत की जिंदगी जब सबों को उठाया जाएगा, और वो जिंदगी हिसाबो किताब की जिंदगी होगी, हिसाबो किताब लिया जाएगा कि कौन कौन किस तरह अमल करके आया है। अब कोई अनभक्त रात भर संबित पात्रा की वीडियो देख लेगा और सवेरे सवेरे जा करके गैया भैंसिया के पीछे गोबर उखाड़ कर कोई नूर ढूंढेगा तो क्या जवाब देगा, वो जवाब नहीं दे सकता है। तो इसी तरह यति नरसिंहानंद सरस्वती गलत फहमी में पड़े हुए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की किताबें पढ़िए, पढ़िए और ज्ञान लीजिए।
दोस्तों अब इतना ही मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें बताऊंगा कि इस्लाम और हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म क्या है, सबसे पहले कौन सा धर्म आया, इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मतलब खुलासा करके बताऊंगा बिल्कुल सबूत के साथ। तो जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।